नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं भाई। स्वागत तो कह रहे हैं, एक दुखद घटना घटी थी भाई उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ किसान मौजूद है, काफ़ी किसान मौजूद है, खासकर हम नरेंद्र ताऊ जी से पूछेंगे, क्योंकि ने एक यात्रा भी शुरू करी थी, साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर को। और उसके बाद यह घटना होने से पहले मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया था, क्योंकि मैं हरियाणा से आया हूँ स्पेशल, काफ़ी लोग अपने भी वॉलंटियर खड़े कर दो लठो से, मतलब खड़े कर दो तो जेल जाने से मंत्री बने, कुछ ऐसे बयानबाजी से वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर हम हरेंद्र ताऊ मौजूद हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। और जो यूपी में घटना घटी है उसका क्या चल रहा है, और यात्रा कब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बस बात तो बताएं कि बड़ी दुखद घटना जो घटी है, आज तक की मेरे ख्याल में 10 महीने तक की सबसे बड़ी घटना यह है। क्या चल रहा है, कब तक आखिर ये जो है किसान शहादत देंगे? अपने सरकार को जितनी शहादत चाहिए किसान देगा, हम लोग सब अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। सरकार को जब चाहिए जितनी चाहिए एक बार में बता दे, हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ताऊ वह वीडियो वायरल हुई है सबूत के तौर पर, मैं देसी भाषा में बता दूं, वह वीडियो वायरल हो गया, वह वीडियो फिर दोबारा टैप भी दी सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं छुपाए रहे फिर इस बात को, इकट्ठा लोग सारे हो गए। हमने तो पहले ही बताया था के प्रदेश का गृह राज्य मंत्री है और सारी चीज़ उसके अंडर में आती है, और ये अपने बेटे को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए ये सबूत छुपाए जाते हैं, ऐसे ही सबूत नष्ट किए जाते हैं। ये सबूत नष्ट करने की बात है, इसलिए हमने कहा था कि सबसे पहले इसे बर्खास्त करें, इसे जेल के अंदर डालें, इसके बेटे को जेल के अंदर डालें। तब उसके लड़के को तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही तो बताया कि उसका लड़का गाड़ी चला रहा था, उसने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ के लोकल लोग जानते हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, तो ये कह रही पत्थरों पत्थराव कर रहे थे मैं, और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, ड्राइवर का लग गया वो पत्थर, यह बात चल रही है कुछ? आपने देखा है कि जो अगर कहीं भीड़ पथराव करेगी तो क्या वहाँ पर लोग इस तरीके से शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे? वो तो आराम से जा रहे सारे लोग, पीछे से गाड़ी आई और चढ़ा दी उनके ऊपर। लेकिन कुछ वीडियो में आपने लगता कि मेरे को तो लगा था कि किसान इस तरफ जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आई है, या सामने से गाड़ी आई? पीछे से आई है, फिर वही तो मतलब एक क्वेश्चन। ये देखिए, हर व्यक्ति अपराधी कभी नहीं कहता मैंने अपराध किया है, वही काम ये कर रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है, सबसे पहले उनको हटाइए पद से, बर्खास्त करें, उसे जेल भेजें, और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, लठी चार्ज में किसानों की मौत हुई थी वहाँ करनाल में, अब भी जो कह रहे हैं कि भाई कुछ मुआवजा देकर सरकारी नौकरी देगा, इस मुकदमे ने ठंडा करने की सोचा, क्या इस बात से सहमत हो आप भी? और जो अब इस बात से सहमत हो तो क्या आपने पता है कि आगे ये काम नहीं होने के? देखिए, ये काम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे हत्या करके आप जो मुआवजा दोगे तो फिर तो सबको मार दो, क्यों छोड़ रहे हो, देश में जनता ही नहीं रहनी चाहिए, सबकी हत्या कर दो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पीछे ले दे के काम? देश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाने के काबिल नहीं है। गृहमंत्री को और उसके बेटे को, जिन्होंने ये साजिश के जानबूझ के साजिश रच के हत्या की गई किसानों की, इन्हें जेल भेजो। उस मंत्री का 26 तारीख का बयान भी था कि भाई हम किसानों को, यानी कि जो प्यार से नहीं माने, तो ये सब चीज़ आप देख लो, जिसने कहा है कि मैंने 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, उसने कर दिया, 2 सेकंड में ख़त्म कर दिया, 9 लोगों की हत्या कर दी, और क्या चाहिए तुम्हें? और इससे बड़ा भी सबूत चाहिए? जिसका बाप इस तरीके से कह रहा हो, बेटे ने करके दिखा दिया। अच्छा, गोली वगैरह भी चली है क्या, सच है बात? अब मैं भी यहाँ हूँ, वहाँ किसान बता रहे हैं कि वो फायरिंग करता हुआ आया, तो वो लोग बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं, और किसान कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, वहाँ प्रियंका गांधी और हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, वे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने पुलिस ने जान नहीं दिया, और राकेश टिकैत को भी कहीं ना कहीं रोका गया था, लेकिन वो चले गए शायद। देखिए, मैं यहाँ हूँ, क्यों रोक रही है मतलब? और मुझे लखीमपुर खीरी जाना, अपने दुखी परिवार के साथ शायद वो संवेदना व्यक्त कर दूँ, तो मैं यहाँ से डिक्लेयर करके क्यों कह रहा हूँ कि मैं लखीमपुर खीरी जा रहा हूँ? पहले से मीडिया में जवाब कर रहा हूँ, मैं जो ट्वीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो? ये राजनीतिक चाल होती है। मुझे जाना है, किसी के दुख में शरीक होना है, किसी की शादी में बारात में नहीं जा रहे। तो अगर दुख में जाते हो तो जाइए, जाकर के उसके दुख में शरीक होइए। हाँ, जब शरीक हो लो तब आप लोगों से बताओ कि भाई ये परिवार दुखी था और मैं इसके दुख में साथ खड़ा था।
अच्छा तो क्वेश्चन तो एक ही बना है ना, काफ़ी आम जनता के मन में सवाल है, या तो फिर किसान इनका विद्रोह करना बंद कर दें, या फिर अपना किसान को रोच ले जाए, या टलेगी कुकर बात आगे, क्या विरोध करना बंद कर दें? संवैधानिक अधिकार है, मतलब आगे भी तो यही काम होंगे ना फिर, तो क्या हो गया? हमारा संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना, काले झंडे दिखाना, नारे लगाना, अपराध नहीं है, संविधान में दिया हुआ अधिकार है। ये तो है ही अधिकार। इन्हें किसने अधिकार दिया? ये अधिकार है कि हजार लाठी वाले करो और जेल चले जाओगे तो बाहर निकल के बड़े नेता बनोगे। हम तो पहले ही कहते हैं कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा नेता है। अच्छा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कड़ी पार गृह मंत्री बन सकता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या जिसपे गुंडा एक्ट लगी हो वो राज्य का गृह राज्य मंत्री बन सकता है, तो आप कानून व्यवस्था कैसे कर सकते? बिल्कुल, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री जानते भी होंगे, खट्टर साहब ने सुर्खियों में रहने वाले किसान आंदोलन में, उन्होंने एक बात कही है कि भाई जो किसान बिल के समर्थन में वे भी अपना डंडे लाठी लेकर खड़े हो जाओ और वॉलंटियर बना दो, प्रत्येक जिले में 800-1000 वॉलंटियर बना दो। तो हमने बताया नहीं, इतने मतलब इतनी जनसंख्या का मालिक जो मुख्यमंत्री है, फूट डालो राज करो, ये तो अंग्रेजों की नीति थी, और ये अंग्रेजों के पिट्ठू तो रहे हैं, उन्हीं के चाटुकार हैं। आरएसएस की सोच है, ये आरएसएस की सोच है, क्योंकि ये कच्चे वाला है मुख्यमंत्री जो बना रखा तुमने खच्चर। अच्छा तो आपने यात्रा शुरू कर दी, फिर वो सुगठित कर दिया? देखिए जब हमारे परिवार में इस तरह का माहौल था और जो वहाँ मीटिंग हुई किसानों की और कुछ और लोगों से बात हुई, तो सब ने कहा कि यात्रा अभी स्थगित रखें, तो मैं कल ही सीधा यहीं आ गया था अपने आंदोलन में कल दोपहर। अच्छा फिर दोबारा अभी देखो, अब माहौल थोड़ा बहुत ख़राब है, पहले ये शांत हो, किसानों के अंदर जो गुस्सा है पहले उसे देखते हैं, यात्रा तो जब चाहेंगे जब शुरू कर लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े नरेंद्र ताऊ, नमस्कार। सबसे लेट आता है।